हेलो एवरीवन। सो गाइस, यूपीपीसीएल जेई के लिए काफी सारे एस्पायरेंट्स हैं जो बहुत समय से तैयारी कर रहे हैं और वेट भी कर रहे हैं कि सर इसकी वैकेंसी कब तक आ सकती है। और आप सभी जानते हो कि कहीं ना कहीं 2024 में आपको इसकी वैकेंसी देखने को मिल ही जाएगी। जिस तरीके से बाकी की वैकेंसीज रिलीज हो रही हैं, इलेक्शन का ईयर है तो डेफिनेटली आपको इसकी भी वैकेंसी देखने को मिलने वाली है। और इस बार हम एक अलग ही लेवल पे इस चीजों को ऑपरेट करने वाले हैं। रिसेंटली अभी एक आरटीआई के थ्रू रिप्लाई आया हुआ है, ये पर्टिकुलर नोटिस जो है थोड़ा सा वायरल भी हुआ है। और इस नोटिस के अंदर ये बताया गया है कि यूपीपीसीएल के अंदर कितनी वैकेंसी जो है वो अभी वैकेंट है। वैकेंट का मतलब है कितनी वैकेंसी खाली है। तो यहां पर ये क्वेश्चन मांगा गया था यूपीपीसीएल में जेई इलेक्ट्रिकल की कितनी पोस्ट वैकेंट है, तो यहां पर बताया गया विद्युत और यांत्रिक की अगर हम बात करते हैं तो 510 पद खाली है। लंबे समय से रिक्रूटमेंट ना होने की वजह से यहां पर इतने सारे पद आपके जो है वो खाली है। बट बात आती है कि रिक्रूटमेंट जो होगा, क्लियर, जो भर्ती होगी वो कितने पदों पर होगी, तो ये जल्द ही आप लोगों को पता चल जाएगा, क्लियर, जब जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा। बट इस तरीके की न्यूज जब हमारे पास आती है तो हमारा भी एक सेल्फ मोटिवेशन जो है वो होने लगता है, हमारा भी जो मोटिवेशन है वो बढ़ जाता है ताकि भाई हम अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से पेस से कंटिन्यू करना चालू करें। चलिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैं अवेलेबल रहूंगा पूरे देश के सभी एस्पायरेंट के लिए जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी करेंगे, चाहे आपका पीएलसी हो या स्काडा माइक्रो कंट्रोलर हो या माइक्रो प्रोसेसर आईसी के नेम्स हो या आपका फंडामेंटल मैथमेटिक्स हो, क्लियर, इन सभी के लिए पूरा यूपीपीसीएल को बेहतर तरीके से हम प्रिपेयर करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू।